दिल्ली में एक दिन 16 दिसंबर 2012 की रात्रि 9 बजे एक ऐसा घिनौना कृत्य किया गया जिसने हिंदुस्तान में आम जनमानस के साथ साथ न्यायपालिका, शासन प्रशासन सभी के लिए नया इतिहास रच दिया। 1989 को उत्तर प्रदेश के बलिया में आशा देवी और बद्रीनाथ के घर जन्मी ज्योति सिंह, जिनके पिता बद्रीनाथ पालम हवाई अड्डे पर नौकरी किया करते थे। निर्भया इनका असली नाम नहीं है, ये नाम मीडिया द्वारा दिया गया है जिसका मतलब होता है निडर। इस रात एक सामूहिक बलात्कार की घटना को 6 दरिंदों द्वारा अंजाम दिया गया। बस में पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया तथा उनका पुरुष मित्र अरविंद प्रताप पांडे दिल्ली के साकेत सिनेमा हॉल से लाइफ ऑफ पाई मूवी देखकर लौट रहे थे। रास्ते में इन्होंने बस पकड़ी जहां पर 6 लोग पहले से ही मौजूद थे। इन्होंने अभिनिंद्र को मारा पीटा जिससे वह बेहोश हो गया। फिर सभी दरिंदों ने बारी बारी से रेप किया। उनमें से एक जो नाबालिग लड़का किशोर था उसने निर्भया के प्राइवेट पार्ट में जंग लगी लोहे की रॉड डाल दी। इस हैवानियत के कारण निर्भया की आंतें शरीर से बाहर आ गईं और इन दरिंदों ने दोनों को सुनसान रास्ते पर दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नज़दीक बसंत विहार इलाके में चलती बस से फेंक दिया। आधी रात तक ये लोग वहीं पड़े रहे। किसी राहगीर ने दो लोगों को पड़े देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और इन्हें सफदरगंज अस्पताल में नाजुक हालत में भर्ती कराया गया। ये खबर पूरे देश में मीडिया के माध्यम से आग की तरह फैल गई जिससे लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने बस ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके भाई मुकेश, जिम इंस्ट्रक्टर विनय गुप्ता, फल बेचने वाला पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया। उस समय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आश्वासन दिया था कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो निर्भया को देखने अस्पताल तक भी नहीं गई थीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जरूर सफदरगंज अस्पताल निर्भया को देखने गई थीं। जब हालत और बिगड़ने लगे तो निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में जहां पर भर्ती कराया गया। 29 दिसंबर 2012 सुबह 4:45 पर 23 वर्षीय निर्भया ने जिंदगी और मौत के बीच जारी जंग हार गई। तो देखें ये नाटक रूपांतरण। देश की धड़कन कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में दरिंदगी का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। समय देखकर रात के 12 बजे हैं और मेरी यहाँ सांसें अटक रही हैं। वो टाइम देखो, काफी समय हो गया है, अभी तक गाड़ी नहीं आई। डोंडिया कमाल की बवाल एकदम। क्यों बे साले, इतनी चिकनी खूबसूरत डोंडिया कैसे पटा लेते हो तुम? भाई साहब जबान संभाल कर बोलिए आप लोग। इसके बाद केस चला, खूब कानूनी दाव पैच का इस्तेमाल किया गया जिसको सारी दुनिया ने देखा, लेकिन सत्य की जीत हुई। और वो आज दिन आ गया 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 पर पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को उनके कारनामों की सजा दी गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस मौत की सजा का नाट्य रूपांतरण देखें। आज रात छिंटा है तुम्हारे फांसी हो पे। आ, 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 आ,
मेहनत से बनाई गई निर्भया की ये पूरी कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी के साथ आपके पास सबसे पहले पहुंचें, इसके लिए बेल आइकन को दबा दें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।